पुष्कर की बात है तो मैडम सदैव श्रद्धा, उसके पूरे परिवार की श्रद्धा पुष्कर से रही है और पुष्कर के विकास में जिस तरह से जब जब वो मुख्यमंत्री बनती है तो इसके विकास में जितना योगदान वो देती है वो सबको बताया। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अजमेर यात्रा को लेकर तैयारियां। सलेमाबाद, पुष्कर और अजमेर में रहेगा कार्यक्रम। शाम 5 बजे हेलीकॉप्टर से करेंगी प्रस्थान। राजस्थान की राजनीति में भले ही चुनावी चौसर जमने में अभी 2 साल बाकी हों, पर सूबे की कद्दावर नेता अपनी यात्राओं के जरिए सियासी बिसात बिछाते नजर आने लगे हैं। भाजपा सरकार में प्रदेश की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे शुक्रवार को अपनी धार्मिक और सांत्वना यात्रा के अंतर्गत तीर्थ नगरी पुष्कर और अजमेर के दौरे पर रहेंगी। दौरे को लेकर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को पूर्व भाजपा देहात अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुष्कर यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लेने पुष्कर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि और मंडल अध्यक्ष पुष्कर भाटी के साथ जगतपिता ब्रह्मा मंदिर रोड और हेलीपैड का जायजा लिया। प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके परिवार का पुष्कर से गहरा नाता रहा है, इसी के चलते वह कई बार पुष्कर आती रहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राजे इस समय प्रदेश के कई संभागों में धार्मिक और सांत्वना यात्रा पर हैं, इसी के चलते धार्मिक स्थानों पर दर्शन और कोरोना काल में मृत भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारजनों के प्रति सांत्वना प्रकट करने पूर्व मुख्यमंत्री राजे यात्रा पर निकली हुई हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद पहुंचेंगी। इसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्कर पहुंचकर जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करेंगी। इसके उपरांत सड़क मार्ग से अजमेर दरगाह शरीफ में जियारत का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके बाद वे सांत्वना यात्रा के तहत विधायक वासुदेव देवनानी, पूर्व सांसद राशा सिंह रावत, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा व पूर्व विधायक व मंत्री श्री किशन सोनगरा के घर सांत्वना बैठक में शामिल होंगी। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री राजे की पुष्कर यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के तहत पुष्कर मेला मैदान के निकट हेलीपैड का निर्माण भी करवाया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत के साथ पुष्कर पालिका चेयरमैन कमल पाठक, भाजपा मीडिया प्रभारी मोहित जैन, आईटी प्रभारी अरविंद गिरधर, राधे फाउंडेशन के चेयरमैन संदीप भार्गव, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। कार्यक्रम बना है वो धार्मिक स्थानों पर यात्रा करने का, और इसे 1.5 साल में कोरोना काल में जिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कार्यकर्ताओं के परिवार में कोई निधन हुआ है तो उनके यहाँ पर सांत्वना व्यक्त करने के लिए मैडम जा रही है। अभी मैडम मेवाड़ के दौरे पर है, कल अजमेर, पुष्कर और किशनगढ़ का दौरा करेगी। और जहाँ तक पुष्कर की बात है तो मैडम सदैव श्रद्धा, उसके पूरे परिवार की श्रद्धा पुष्कर से रही है और पुष्कर के विकास में जिस तरह से जब जब वो मुख्यमंत्री बनती है तो इसके विकास में जितना योगदान वो देती है वो सबको पता है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में राजस्थान में ही नहीं बाकी जगह पर भी मैडम का जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में जो छवि बनी हुई है वो साफ दिखाई दे रही है। राजस्थान का आम व्यक्ति आदरणीय वसुंधरा जी को अपना नेता मानता है और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते आज कल वो हमारे बीच में आएगी और इस धार्मिक और सांत्वना यात्रा में हम सब लोग उनके साथ रहेंगे और पुष्कर की धरती पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। क्या कार्यक्रम रहेगा पुष्कर में उनका आने का? पुष्कर में हेलीपैड से वो ब्रह्मा जी के मंदिर जाएगी और मंदिर जाने के बाद वो सीधा अजमेर की ओर जाएगी और रास्ते में जो कार्यकर्ता हैं जो मैडम को अपना लोकप्रिय नेता मानते हैं वो उनका स्वागत करेंगे। कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री लोकप्रिय राजस्थान के नेता वसुंधरा राजे जी कल पुष्कर यात्रा पे आ रही हैं तो उसकी तैयारियों में पूरा पार्टी का कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, हर आम समाज, आम जन उनका स्वागत के लिए आतुर है, क्योंकि हम सबको पता है कि वसुंधरा राजे का पुष्कर से बहुत ही लगाव है। उन्होंने जब जब पुष्कर के विकास की बात आई है तो उन्होंने हमेशा आगे होकर उसके लिए हाँ की है और आगे भी जब वो पूरा मुख्यमंत्री बनेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि पुष्कर के लिए जो एक बड़ी समस्या है सीवरेज की उसको भी वो अवश्य खत्म करेगी। यहाँ पर कितने बजे आएंगे? उनका कल हेलीकॉप्टर के माध्यम से 12:30 के आसपास पुष्कर में लैंडिंग का प्रोग्राम है, उसके बाद जगत पिता के दर्शन